तो इकोलॉजी और बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी होता है ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है स्पेसीज, और सबसे हायर लेवल जो पढ़ा है वो पढ़ा है किंगडम, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज। सबसे नीचे का लेवल क्या है? स्पेसीज। और सबसे हायर लेवल क्या है? इसीलिए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है स्पेसीज होता है, और एक तरीके से स्पेसीज ही ऑर्गेनिज्म हम लोग उसको कह सकते हैं। पॉपुलेशन जो हम लोग बोलते हैं वो किसी एक स्पेसीज की होती है हमेशा, किसी एक स्पेसीज की। जैसे हम बोले मुंबई की पॉपुलेशन इतनी है, तो किसकी? ह्यूमन की कि कुत्ते की कि बिल्ली की? तो पॉपुलेशन हमेशा किसी एक स्पेसीज की होती है ना। तो पॉपुलेशन वन एंड ओनली फॉर वन स्पेसीज। और याद रखिएगा, जब भी हम लोग बात करते हैं किंगडम की, तो किंगडम जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू स्पेसीज। जो टैक्सोनॉमिकल लेवल हो जितना ज़्यादा हायर होगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा। खतरा किसी स्पेसीज पे होता है ज़्यादा, किंगडम पे खतरा नहीं होता, पूरे एनिमल किंगडम पे खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है बर्ड पे खतरा मंडरा रहा हो, एम्फीबिया पे खतरा मंडरा रहा हो सकता है टेरिडोफाइट पे खतरा मंडरा रहा हो। ऐसा नहीं कि पूरे प्लांट किंगडम पे खतरा मंडरा रहा है। तो किंगडम इज मोर स्टेबल देन द स्पेसीज। ये सारी चीज़ बातें होती हैं। तो ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, और ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन होता है, वही ऑर्गेनिज्म होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड होकर तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग इकोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? हम लोग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, आपस में करते खुद में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपस में कैसे करते हैं, और उनका आसपास के एबायोटिक एनवायरनमेंट से किस तरह का इंटरेक्शन है, ये इकोलॉजी कहलाती है। और हम लोग को चार लेवल पे इकोलॉजी पढ़नी होती है। पहला ऑर्गेनिज्म लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, और फिर बायोम लेवल पे। चार लेवल पे इकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। और इकोलॉजी जो इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ आपको ऑर्गेनिज्मिक लेवल और पॉपुलेशन लेवल पढ़ना है। उसमें से भी ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे जो इकोलॉजी होती है उसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी हम लोग बोलते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। दूसरा बेटा याद रखेगा, हम लोग यहाँ पर जब भी बात करेंगे तो हम लोग कुछ नाम लेते हैं, जैसे बायोम, हैबिटेट, ये सारी बातें करते हैं। तो बायोम अगर हम लोग बोलते हैं तो बायोम जो होता है थोड़ा बड़ा वर्ड है। ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी से बायोम, है ना। तो बायोम बड़ा लेवल है। अब बायोम कभी भी एक्वाटिक नहीं होता है, बायोम कभी भी एक्वाटिक नहीं होता है, पानी वाला बायोम नहीं होता कोई भी। तो बायोम इज़ नेवर बी एक्वाटिक। और बायोम कैसे डिसाइड होता है? तो टेम्परेचर और रेनफॉल से डिसाइड होता है, कितना टेम्परेचर वहाँ का है उस हैबिटेट का, और कितना वहाँ पर रेनफॉल होता है, इससे बायोम डिसाइड होता है कहीं का भी। याद रखिएगा, रेनफॉल हो चाहे स्नोफॉल हो, दोनों बात एक ही होती है। इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। चाहे कहीं पानी बरस रहा हो, कहीं स्नोफॉल हो, आपके यहाँ क्या होता है? पानी बरसता है। मनाली में चले जाओगे तो वहाँ पर स्नोफॉल होता है, कश्मीर में जाओगे तो वहाँ बारिश थोड़ी ना होती है, स्नोफॉल होता है। तो ये चीज़ देखने मिलती है आपको। सबसे ज़्यादा अगर आप लोग देखोगे रेनफॉल वेरिएशन कहाँ देखने मिलता है, तो ट्रॉपिकल पे देखने को मिलता है। तो रेनफॉल वेरिएशन सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन पे। ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं? जो इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। और सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है? डिजर्ट, है ना, डिजर्ट में सबसे कम देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने मिलेगा? ट्रॉपिकल पे। और सबसे कम कहाँ पे देखने मिलेगा? डिजर्ट पे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ट्रो सी टी ए जी डी। ट्रो मतलब ट्रॉपिकल, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल पे। सेकंड पे आएगा कोनीफेरस, टी फॉर टेम्परेट, ए फॉर अल्पाइन या आर्कटिक टुंड्रा, जी फॉर ग्रासलैंड,
और डी फॉर डिजर्ट, तो सबसे ज़्यादा यहाँ देखने मिलेगा आपको ट्रॉपिकल पे, सबसे कम देखने मिलेगा डिजर्ट में। यानी टेम्परेचर वेरिएशन, अगर अब नेक्स्ट बात करें टेम्परेचर वेरिएशन की, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन कहाँ देखने मिलेगा, तो नंबर वन पे आता बेटा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन देखने मिलता है, दैट इज़ फार्मूला क्या वहाँ पे, और सबसे कम कहाँ देखने मिलेगा ट्रॉपिकल पे। फार्मूला है GDCTATRO, ग्रासलैंड, फिर डिजर्ट, फिर कोनीफेरस, फिर टेम्परेट, फिर अल्पाइन, फिर ट्रॉपिकल। सबसे कम जो टेम्परेचर वेरिएशन देखने मिलता है वो है ट्रॉपिकल रीजन। क्या है? ट्रॉपिकल रीजन। कुछ एनिमल बेटा थर्मल स्प्रिंग्स या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहने वाले ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस से अबव रह लेते हैं। मैंगो ट्री कभी भी टेम्परेट कंट्री में ग्रो नहीं कर सकती, जैसे कनाडा जर्मनी में आम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन क्या है, अलग है। और स्नो लेपर्ड कभी भी केरला फॉरेस्ट में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसका एंजाइम काम ही नहीं करेगा केरला फॉरेस्ट में, वो हमेशा स्नो जहाँ पे बर्फबारी होती है वहीं रहेगा। टूना फिश कभी भी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बाहर नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसके बाहर उसका एंजाइम काम ही नहीं करता है। और जब भी हम लोग इक्वेटर से पोल जाते हैं तो उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जब भी हम लोग सी लेवल से माउंटेन पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। जो मछलियाँ समुद्र से चलकर रिवर वाटर में आती हैं उनको हम लोग कहते हैं एनाड्रामस फिशेस, और जो मछलियाँ फ्रेश वाटर से जाती हैं कहाँ, रिवर वाटर में, उनको बोलते हैं कैटाड्रामस फिशेस। और दूसरी बात बेटा याद रखिएगा, कोई भी हैबिटेट को वहाँ का बायोटिक फैक्टर यानी वहाँ मौजूद प्रीडेटर पैथोजन, वहाँ मौजूद जितने भी पैरासाइट हैं कंपटीटर हैं, ये सब बायोटिक फैक्टर में आते हैं। और दूसरा वहाँ पर एबायोटिक फैक्टर, जैसे टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉयल, ये दोनों बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं। और जो एबायोटिक फैक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिको केमिकल फैक्टर, जिसमें से टेम्परेचर जो होता है मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर होता है, मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर टेम्परेचर होता है। और सेकंड नंबर पे नाम आता है बेटा वाटर का, सेकंड मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर जो होता है वाटर होता है। ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाले यूरीथर्मल, कम रेंज में करने वाले स्टीनोथर्मल। अब वाटर में वाटर की क्वालिटी, वाटर का पीएच, वाटर का कंपोजिशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। ज़्यादा रेंज ऑफ सेलिनिटी में सर्वाइव करने वाले यूरी हेलाइन, कम रेंज में सर्वाइव करने वाले स्टीनो हेलाइन। और इनलैंड वाटर में साल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है, लेस देन 5 पार्ट पर 1000। और समुद्र में नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, 30 से 35 पार्ट्स पर 1000 होता है। लाइट इम्पॉर्टेंट होता है बहुत सारे एनिमल्स के लिए, जो फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट जिसकी होती है, जैसे फ्लावर के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। और बहुत सारे ऐसे एनिमल जिनकी डायूरनल और सीजनल वेरिएशन जहाँ देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि जो सन होता है वो टेम्परेचर और लाइट दोनों का सोर्स होता है, इसीलिए सन को हम लोग क्लिस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ईस्ट्रस साइकिल जो चलती है नॉन प्राइमेट में, वो लाइट के इन्फ्लुएंस से चलती है। और जो प्रोडक्टिविटी होती है प्लांट की, और जो उसका प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, वो हैवीली डिपेंड होता है वाटर पे। ऑर्गेनिज्म जो अपने टेम्परेचर को, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट बनाए रखता है, इसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस। और चौथा और लास्ट सबसे फैक्टर है इम्पॉर्टेंट, वो है सॉयल, जिसको हम लोग एडैफिक फैक्टर बोलते हैं। और सॉयल का नेचर कैसा होगा, प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये डिसाइड करता है वहाँ मौजूद क्लाइमेट और वेदरिंग प्रोसेस। और सॉयल किस ऊंचाई और निचाई पे पाया जा रहा है, इसको बोलते हैं टोपोग्राफी। सॉयल बना होता है अर्थ क्रस्ट और ह्यूमस से, और सॉयल में मिला होता है मिनरल, मोवा मिनरल, ऑर्गेनिक वाटर और एटमॉस्फियर। जो सैंडी सॉयल होता है उसका ग्रेन साइज बड़ा बड़ा होता है, और जो क्ले सॉयल होता है उसका साइज जो होता है स्मॉल होता है। और जितना बड़ा ग्रेन साइज होगा सॉयल का, उतना कम वो पानी को होल्ड करेगा।
जितना कम पानी होल्ड करेगा उतना ज़मीन नीचे तक पानी जाएगा, इसको बोलते हैं परकोलेशन। और सॉयल के वाटर के होल्ड करने की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा तो परकोलेशन कम। जो लोग अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को लगातार कांस्टेंट बनाए रखते हैं, नहीं बदलते हैं, वो कहलाते हैं रेगुलेटर। जैसे बर्ड और मैमल होमियोस्टेसिस कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड ऑल प्लांट, सारे ऑर्गेनिज्म और अदर अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट नहीं बना पाते हैं, लगातार बदलते रहते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो सारे कहलाते हैं कॉन्फार्मर। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ रेंज तक रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बाद में वो भी कन्फार्मर हो जाते हैं, उनको पार्शियल रेगुलेटर बोलते हैं हम लोग, पार्शियल रेगुलेटर। तो ऑल बर्ड एंड मैमल, बहुत कम ही लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट ऐसे होते हैं जो होमियोस्टेसिस, होमियोथर्मल होते हैं या एंडोथर्मल होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट बनाए रखते हैं। तो किसी भी हैबिटेट से जाने का भी तरीका है, अगर मान लो कोई उस हैबिटेट से इस्केप करना चाहता है तो उसका भी तरीका है, वो क्या हो सकता है, इस्केप रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रिस्पेक्ट, अगर टाइम के हिसाब से इस्केप करना है तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। मान लो कहीं कंडीशन ऐसी आ गई जहाँ बहुत ठंडी पड़ रही, वहाँ से भागना ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, तो ऐसे में वहाँ का मौजूद कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन, है ना, हाइबरनेशन में चले जाते हैं विंटर स्लीप। और कुछ जो होते हैं वहाँ पर एस्टिवेशन में चले जाते हैं समर स्लीप, और अपना जगह ही चेंज कर देना, मतलब माइग्रेशन। जैसे कियोलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में साइबेरियन बर्ड साइबेरिया से उड़कर, वहाँ की ठंडी से उड़कर यहाँ चली आती हैं, ये हो गया वहाँ का माइग्रेशन। और हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप, ये सारी चीज़ें होती हैं। बियर जाता है हाइबरनेशन में और स्नेल और फिशेस जाते हैं एस्टिवेशन में। कियोलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में है और जू प्लैंकटन्स डायपाज में चले जाते हैं, जो ये एक सस्पेंडेड स्टेज डेवलपमेंट है। कंगारू रैट कैसे अडाप्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है कंगारू रैट, पानी की कमी है वहाँ पर, और कंगारू रैट अपने फैट के ऑक्सीडेशन के द्वारा पानी निकालता है, और कंगारू रैट अपने यूरिन को कंसंट्रेट करने की क्षमता रखता है, इसी कारण वो एक्सक्रीशन के लिए भी वाटर को लॉस को बहुत ही कम मिनिमाइज कर देता है, पानी का कम से कम लॉस करता है। एक तो पहली बात बॉडी की पानी कमी फैट के ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस कर लेता है, दूसरा वो अपने बॉडी से कम पानी बाहर निकलता है ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। प्लांट भी अडाप्ट करते हैं रहने के लिए, जैसे कैक्टस अपुंसिया, उनके पास कोई लीफ ही नहीं होता, स्टार्टिंग में लीफ जो होता है वो रिड्यूस टू स्पाइन, और फोटोसिंथेसिस उनका स्टेम परफॉर्म करने लगता है, इसीलिए अपुंसिया का कहीं भी नाम आए याद रखना फ्लैटेंड स्टेम, दियर लीफ रिड्यूस टू स्पाइन। तो बॉडी में अडाप्टेशन करके और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। अब ये अडाप्टेशन मॉर्फोलॉजी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, या बिहेवियरल हो सकता है। स्पेसीज एक वर्ड है, और ये स्पेसीज वर्ड का टर्म जो दिया था वो जॉन रे ने दिया था। और स्पेसीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल इंडिविजुअल होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और जो बच्चे पैदा करते हैं वो फर्टाइल होते हैं। अब पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया फाउंड इन ए पर्टिकुलर टाइम, किसी भी एरिया में पाए जाने वाले सेम तरह के स्पेसीज किसी एक वक्त पे क्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन। कराड़ में 2000, कराड़ शहर में सन 2023 में कितनी पॉपुलेशन है ह्यूमन की, तो यह यहाँ का पॉपुलेशन हुआ। एक जगह एरिया तय हो गया कराड़, एक समय तय हो गया 2023, और स्पेसीज का नाम कौन है, ह्यूमन। तो ये एक तरीके से पॉपुलेशन, एक स्पेसीज का पाया जाना किसी भी एरिया में एट ए पर्टिकुलर टाइम, ये कहलाता है। कैम प्लांट जो होते हैं बेटा, ये अपने स्टोमेटा को दिन में भी क्लोज रखते हैं और रात में ओपन कर लेते हैं। और मैमल जो होते हैं कोल्डर क्लाइमेट के पास, क्लाइमेट में उनके पास शॉर्टर ईयर सरफेस एरिया रिलेटेड टू दियर वॉल्यूम और लिम्ब पाया जाता है, क्यों, हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। जितना कम सरफेस एरिया रिलेटेड टू दियर वॉल्यूम पाया जाएगा उतना कम हीट का लॉस होगा,
तो ठंडे हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को गर्मी बॉडी में बनी रहेगी, इसको एलेंस रूल कहते हैं। और बिल्कुल जो ठंडे एरिया में रहने वाले जो पोलर सीज वगैरह होते हैं उनकी बॉडी में फैट बहुत पाया जाता है, और फैट जो होता है वो हीट का इंसुलेटर होता है। इसीलिए मोटान लोग जो होते हैं, मोटे मोटे लोग जो होते हैं, उनको ठंडी उंडी नहीं लगती ज़्यादा, बॉडी के ऊपर फैट होता है उनके, ये भी एक तरह का अडाप्टेशन है। और लोग जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, एक ऊंचाई पे जाने के बाद उनको सांसों में प्रॉब्लम होती है, छोटे मोटे पहाड़ नहीं बड़े पहाड़, 3500 फीट मीटर ऊपर जाने के बाद जो होते हैं, रोहतांग पास मनाली के आसपास जब जाते हैं तो उनको फील होता है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हार्ट बहुत तेज़ से बाद में बीट करने लगता है लगातार कोप अप करने के लिए, एल्टीट्यूड सिकनेस इसको कहते हैं, नाजिया फटीग हार्ट पेल्पिलेशन बाद में क्या क्यों होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, प्रेशर जो होता है वहाँ लो होता है, आप सांस इसीलिए लेते हो क्योंकि जो प्रेशर हो वो नॉर्मल होता है, लंग का प्रेशर कम होता है तब आप सांस लेते हो। तो धीरे धीरे इससे कोप अप करने के लिए बॉडी क्या करती है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देती है और बाइंडिंग अफिनिटी को डिक्रीज कर देती है, हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग अफिनिटी को डिक्रीज कर देती है, जिससे बाद में आप एल्टीट्यूड सिकनेस से ओवरकम कर जाते हो। तो एडाप्टेशन ड्यू टू एल्टीट्यूड का ये काम है। और एलेंस रूल जो है ओनली फॉर एंडोथर्मल्स है, ओनली फॉर एंडोथर्मल्स, सिर्फ और सिर्फ एंडोथर्मल्स के लिए होता है। बर्थ रेट का फार्मूला होता है डेल्टा एन अपान एन नॉट, बी इजगल टू डेल्टा एन अपान एन नॉट, और डी इजगल टू होता है डेल्टा एन अपान एन नॉट, यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन अपान इनिशियल पॉपुलेशन, डेल्टा एन मतलब चेंज इन पॉपुलेशन अपान इनिशियल पॉपुलेशन। कोई भी क्वेश्चन आए आप इसी से लगा लोगे। एक्सपेंडिंग ग्राफ में हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा होते हैं, हमेशा ऐसे ही होगा। और नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट, हर 1000 लोगों में एक साल में एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग बढ़ जाते हैं ये होती है बर्थ रेट, और 1000 लोगों में एक एरिया में कितने लोग मर जाते हैं वो वहाँ का होता है मॉर्टेलिटी डेथ रेट, और कितने लोग आ रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जुड़ रहे हैं वो है आई माइग्रेशन, और कितने लोग उस एरिया को छोड़ के चले जा रहे हैं वो है वहाँ का ई माइग्रेशन। और टाइगर के पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए पग मार्क और उनके सीकल पैलेट की स्टडी करते हैं, यानी एक एक टाइगर बैठ के गिनते हैं, पॉसिबल नहीं है। और अगर आप देखोगे किसी भी पॉपुलेशन के बढ़ने का रीजन, अचानक बढ़ने का रीजन आई माइग्रेशन होता है, अचानक घटने का रीजन ई माइग्रेशन होता है। जैसे मान लो कराड़ में बाढ़ आ जाए सब भाग जाओ यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा आई माइग्रेशन नहीं ई माइग्रेशन है ना, और जहाँ जाके तुम ऐड हो जाओगे मतलब सब कोल्हापुर शिफ्ट हो गए तो वो क्या हो गया, वहाँ हो गया आई माइग्रेशन, वहाँ की पॉपुलेशन अचानक बढ़ जाएगी। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जब भी अनलिमिटेड रिसोर्स होता है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, ज्योमेट्रिक फैशन में होता है। और आर मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, फार्मूला होता है डी एन अपान डी टी इजकल टू आर एन है ना, और ई जो होता है द बेस ऑफ नेचुरल लॉग रिदम यहाँ पर होता है, और आर होता है इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। जो ग्राफ निकल के आता है जे सेप्ड ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, और लॉजिस्टिक जो होता है मोर रियलिस्टिक ग्राफ होता है। और यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी का हम लोग नाम लेते हैं के फॉर कैरिंग कैपेसिटी, डी एन अपान डी टी इजकल टू आर एन के माइनस एन अपान के मतलब कैरिंग कैपेसिटी, एक क्षमता है इस पृथ्वी की, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, एक नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल बताता है, जिसका वो निकल कर आता है सिग्मॉइड कर्व निकल के आता है एस शेप्ड। और इंटीग्रल फॉर्म जो होगा एक्सपोनेंशियल का वो होगा एन टी एन नॉट ई टू द पावर आर टी, आर वैल्यू जो होती है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों को बताती है, इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ह्यूमन पॉपुलेशन का 1981 में आर रेट था 0.0205 और नॉर्वे रेट का था 0.015, फ्लोर बीटल का था 0.12। ऑर्गेनिज्म बेटा जो अपनी जिंदगी में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं वो होते हैं पैसिफिक सालमन फिश और बम्बू, जिंदगी में एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे वो होते हैं ऑयस्टर और पिलाजिक फिशेस, और वो ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल नंबर ऑफ बच्चे पैदा करते हैं वो होते हैं बर्ड और मैमल, लेकिन इनके बच्चों के साइज बड़े होते हैं। याद रखना बेटा
प्रीडेटर नहीं होगा तो प्रे का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे बायोलॉजिकल अनस्टेबिलिटी कॉज होगी। मॉथ एक प्रीडेटर है, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप प्लस माइनस का रिलेशनशिप होता है। टू रिड्यूस प्रे इमीडिएटली, हम लोग अगर मान लो कोई प्रे के पॉपुलेशन को कम करना है, अचानक कम करना है, तो केमिकल डालना पड़ेगा, वरना बायोलॉजिकल तो कंट्रोल वो हो ही जाएगा। और अगर आप लोग को बिना पॉल्यूशन क्रिएट किए प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो बायोलॉजिकल इफेक्ट डालना पड़ेगा। याद रखिए बेटा, प्रीडेटर कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं, और अगर हम लोग प्रीडेटर का यूज़ करते हैं प्रे के पॉपुलेशन को भगाने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। कोई भी पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। प्रीडेटर प्रे को खाता है, मार देता है, और आपस प्रे के बीच में आपस में कंपटीशन को कम करता है। बाद में प्रीडेटर इतना भी नहीं खाता है कि प्रे ही ख़त्म हो जाए, फिर प्रीडेटर को खाने को रहेगा क्या भाई? शेर अगर मान लो किसी का शिकार कर रहा है, तो ऐसा नहीं सबका शिकार कर ही डालता है एक ही बार में, धीरे धीरे करता है, देखता है चार बच्चे उनके पैदा हो गए, चलो ठीक है एक को मार देंगे, ऐसा नहीं। इसको कहते हैं प्रूडेंट बिहेवियर, यानी केयर शो करना, नहीं नहीं सबको नहीं मारेंगे, दो ही तीन लोग को मारेंगे। तो प्रे जो होता है बेटा, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए अच्छा होता है और कभी कभी बुरा भी होता है। और प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस होना चाहिए, यानी प्रे और प्रीडेटर का रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस होना चाहिए। और प्रीडेटर जो होता है वो डायरेक्ट फूड रिलेशनशिप होता है। अगर मान लो कोई शेर बिल्ली को मार के खा गया, या किसी गाय को मार के खा गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, डायरेक्ट मार के खा जाना। एक छिपकली ने किसी इंसेक्ट को खा लिया, प्रीडेटर कौन हो गया? छिपकली। और कीड़ा क्या हो गया? प्रे। तो ये चीज़ें होती हैं। प्रीडेटर की संख्या हमेशा प्रे से ज़्यादा होती है, इस बात को भी याद रखेगा। और प्रीडेटर हमेशा प्रे के स्पीसीज को कंट्रोल करने का काम करता है ना, हमेशा क्या करता है? कंट्रोल करता है, ऑलवेज। दूसरी बात वो ये है कि कई सारे रिलेशनशिप आपको देखने को मिलते हैं। सारे एग्जांपल पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि प्रिकली पियर कैक्टस जो है ऑस्ट्रेलिया में आया था 1920 में, और वहाँ फैल गया था क्योंकि उसको खाने वाला कोई प्रीडेटर वहाँ पे नहीं था। बाद में नेचुरल प्रीडेटर मॉथ डाला गया, तब जाकर वो कंट्रोल हुआ। इसी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, जहाँ पे स्टार फिश पिजास्टर एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर हुआ करती थी, उसको वहाँ से हटा दिया गया। और उसको हटाते ही वहाँ 10 स्पेसीज इन्वर्टिब्रेट की एक साल के अंदर गायब हो गई। क्यों? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से गायब हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा बेटा, प्रीडेटर से बचने के लिए प्रे अपना हिसाब किताब लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रे एकदम फ्री में बैठा हुआ है, उसको कोई आए खा ले कोई प्रीडेटर, नहीं। प्रे भी अपने आप को बचाने का तमाम तरीका अपनाते हैं। जैसे मोनार्च बटरफ्लाई बहुत डिसटेस्टफुल होती है, कोई प्रीडेटर उसे खाता है कहता है हाँ बहुत गंदी, बहुत गंदा टेस्ट था उसका। आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ बेटा वो ये है कि ये जो मोनार्च बटरफ्लाई है वो इतनी पॉइजनस हुई कैसे? तो अपने कैटरपिलर स्टेज में वो पॉइजनस वीड को खाकर इतनी ज़्यादा डिस्टेस्टफुल हो पाई है। और अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट को लोग खाते हैं तो क्या वो प्रीडेटर नहीं है? हैं। जो प्लांट को खाते हैं वो भी प्रीडेटर हैं। भाई तुम किसी एनिमल को मार के खा रहे हो तो उसका दर्द देख रहे हो, उसकी मुंडी कट रही है ना? जो नॉन वेजिटेरियन इस बात को समझ पाएंगे, है ना? जब तुम ये पाप करते हो, हाँ तुम लोग जब इस पाप को करते हो तो तुम्हें इस बात का महसूस होता है ना, कोई उसका गला काट रहा है, तुम उसका लीवर खा रहे हो, किडनी खा रहे हो, मांस खा रहे हो। तो ऐसे केस में जब तुम जीव को खा रहे हो, प्लांट भी एक जीव है, तो ऐसा नहीं कि मांसाहार जो खा रहे हैं वो भी जीव को खा रहे हैं, जो शाकाहारी खा रहे हैं वो भी जीव को खा रहे हैं, दोनों जीव को खा रहे हैं। तो प्रीडेटर दोनों हैं। यानी अगर कोई प्रीडेटर प्लांट को खा रहा है, हर्बीवोर प्रीडेटर हो जाएगा। याद रखिए बेटा, 25% इंसेक्ट जो होते हैं डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, है ना? और प्लांट इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए, क्यों खाओगे भाई प्लांट को? इसलिए प्लांट भी अपने आप को बचाने के लिए कांटे डेवलप करता है कि मुझको मत खाओ, जैसे थॉर्न एकेसिया और कैक्टस में। इसी तरीके से बेटा एक प्लांट होता है कैलाट्रोपिस, खाओ कैलाट्रोपिस को समझ में आ जाएगा। कैलाट्रोपिस के
लीफ को खाओ, उसमें केमिकल मौजूद होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स, इसीलिए कोई जानवर आसपास नहीं भटकता कैलाट्रोपिस के, जो खाता है वो सीधे उसको नुकसान होता है, उसमें हार्ट में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इवन आप जो ये चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, निकोटीन खाते हो, ओपियम गांजा फूंकते हो, ये सब कुछ एक तरीके से प्लांट प्रोड्यूस करता है अपने आप को दूसरे एनिमल से बचाने के लिए, लेकिन ह्यूमन तो और भी ज़्यादा चलाक है, उसको मॉडिफाई करके गांजा बना लेता है, चरस बना लेता है, आशीष बना लेता है, मरिजुआना बना लेता है ना, स्मैक हीरोइन सब, ये सब क्या है, साइड प्रोडक्ट हो जाते हैं। फिर आता है कंपटीशन, कंपटीशन माइनस माइनस का रिलेशनशिप है। आप लोग बेटा यहाँ तक देखिए, प्रीडेटर तक, प्रीडेटर यानी कि दो इंटरेक्टिंग स्पीसीज, अगर मान लो सेम स्पीसीज आपस में कंपटीशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और दो डिफरेंट स्पीसीज अगर आपस में कंपटीट कर रहे हैं तो कहलाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन सेम स्पेसीज में होता है, और खतरनाक कौन होगा, सेम स्पेसीज के बीच में कंपटीशन। तुम लोग आपस में ज़्यादा मार बवाल करते हो एज़ कम्पेयर टू तुम कुत्ते से, तुम बिल्ली से, या है ना, समझो ना, आपस में ज़्यादा बवाल होता है, ये वैसा वो वैसी, तो ये ज़्यादा बवाल आपस में होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि एक स्पीसीज के प्रेजेंस में दूसरे स्पीसीज की परफॉर्मेंस क्या होती, घट जाती है। अगर सुपीरियर स्पीसीज है तो डोमिनेट कर जाता है, फिर भी इन्फीरियर की वजह से थोड़ा बहुत उसके पर घाटा होता ही होता है। जैसे एविंगडम टॉर्टोइस गालापागोस आइलैंड में एक्सटिंक्ट हो गया 10 साल के अंदर, क्यों, गोट आ गई। गोट के आने से टॉर्टोइस क्यों एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि गोट की जो ब्राउजिंग इफिशेंसी थी, घास को खाने की जो इफिशेंसी थी वो ज़्यादा थी, इसीलिए वो एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और डार्विन ने बेटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात की थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की थी, और उन्होंने इस बात से पूरी तरीके से एग्री किया था कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन ही इज अ पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये सारी चीज़ें होती हैं। याद रखिए बेटा, जो ट्रॉफिक लेवल में जितना ऊपर होगा उस पर कंपटीशन का असर उतना ही कम होगा। इसीलिए आप जो नीचे, जितना नीचे है कोई प्लांट है, आपस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है उन लोगों को, हर्बीवोर का बहुत लड़ाई है। जो जितना टॉप पे जाता है उसमें आपस में कम लड़ाई होती है, याद रखिएगा। इसीलिए देखा करो, जो लोग दिन रात दारू पीते हैं, आते हैं अपने घर में झगड़ा करते हैं, अपने औरतों को मारते हैं, ऐसे लोग हमेशा लड़ाई ही करते रहते हैं, गरीब रहते हैं पूरी ज़िंदगी। और अमीर आदमी क्या होता है, मस्त शाम को रात में 10 बजे छोटा सा एक वाइन का बॉटल पी के सो जाता है, कोई झगड़ा नहीं करता, एक ग्लास बढ़िया वाइन पिया सो गया, झगड़ा नहीं करता कभी भी। उसको अगले दिन का टारगेट है अगले दिन और पैसा बनाना है, नेक्स्ट डे। याद रखिए, जो जितना नीचे ट्रॉफिक लेवल पर होगा वो उतना ज़्यादा कंपटीट करता है, उतना ज़्यादा खतरा भी उसी पे रहता है ना। तो याद रखिएगा बेटा, ऐसी दो स्पीसीज जिनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर है वो एक साथ नहीं रह सकते। क्यों रहेंगे, क्योंकि वही उनका रिसोर्सेस क्या है, सेम है ना, उसी नलके से पानी उनके घर का भी आ रहा है, उसी नलके से पानी उनके घर का भी आ रहा है। अब सुबह क्या होगा, झगड़ा होगा, पहले हम भरेंगे पहले हम भरेंगे। तो ऐसे ही है, स्पीसीज सेम होगा तो उनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो सिमिलर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा बेटा। कई सारे साइंटिस्ट ने कहा था कि दो स्पीसीज अगर सिमिलर स्पीसीज हैं और रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो, तो वहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है। लेकिन लिमिटेड रिसोर्स में रिलेटेड स्पीसीज को ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शन है बेटा, उसका देखिए क्या है। वो ये है कि फ्लेमिंगो बर्ड सी कोस्ट पे आती थी जहाँ ऑलरेडी जू प्लैंटॉन्स मौजूद थे, है ना, और वहाँ पर रेजिडेंट फिशेस भी थी, यानी वहाँ की मछलियाँ जू प्लैंकटन को खाती थी और फ्लेमिंगो बर्ड भी वहाँ आते थे खाने के लिए। देखो, मछलियाँ और बर्ड बिल्कुल अलग अलग दोनों स्पीसीज हैं, लड़ते किसके लिए थे, जू प्लैंकटन के लिए, जो कि अनलिमिटेड है वहाँ पे,
यानी अनलिमिटेड चीज़ों के लिए भी लड़ाई हो सकती है, अनलिमिटेड चीज़ों के लिए भी लड़ाई हो सकती है। तो एक तरीके से जो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था और तमाम तरह के और एक्सपेरिमेंट थे, बहुत ज़्यादा सही बात लोगों को एग्री नहीं करवा पाए थे। कंपटीशन का एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है रिसोर्स पार्टिशनिंग, कि भैया तुम सुबह खा लेना, हम शाम को खा लेंगे, इससे क्या होगा लड़ाई थोड़ी कम हो जाती है। तो मैकआर्थर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिसोर्स पार्टिशनिंग पे काम किया था। और दूसरी बात, पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासाइट होस्ट के ऊपर रहता है, पैरासाइट को फायदा होता है, होस्ट को घाटा होता है। अच्छा, पैरासाइट होस्ट को मार के खा नहीं लेता है, बट पैरासाइट होस्ट के ऊपर रह के उसके न्यूट्रिशन को लेता रहता है, जिससे होता क्या है, लगातार वहाँ पर होस्ट से न्यूट्रिशन जाता है, होस्ट की बॉडी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपके बाल पे जो जू है, वो जू क्या है, आपकी बॉडी का पैरासाइट है। आपके पेट में जो कीड़े पल रहे हैं, वो क्या आपकी बॉडी के पैरासाइट हैं, है ना। अब पैरासाइट की खास बात होती है कि इनमें अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं होता, इनमें प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन पाए जाते हैं, और इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है, सिस्टम नहीं होता है, और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पाया जाता है। जैसे लीवर फ्लूक जो होता है, दो पैरासाइट होस्ट को मिला के रहता है, स्नेल और फिश। जैसे एक पैरासाइट मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ह्यूमन और फिश, ह्यूमन और एनाफिलीज मॉस्किटो दोनों को मिला के रहता है, ये होते हैं पैरासाइट, है ना। उसी तरीके से पैरासाइट अगर बॉडी के अंदर रहते हैं तो उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट, और बॉडी के बाहर जो पैरासाइट रहते हैं उनको बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। जैसे कुछ मछलियाँ मैराइन फिश जो होती हैं, वो एक्टो पैरासाइट उनके ऊपर पाए जाते हैं, कोपॉड्स। कुछ प्लांट भी पैरासाइट होते हैं, जैसे कस्कूटा, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। फीमेल मॉस्किटो पैरासाइट नहीं होती, याद रखिएगा। और नेक्स्ट एक रिलेशनशिप होता है, वो है कमेंसलिज्म। ये प्लस जीरो का रिलेशनशिप होता है, और कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होता है और एक को ना घाटा होता है ना फायदा होता है, है ना। तो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, जो कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल के ऊपर पाया जाता है। गाय भैंस आप चर रही होती हैं खेतों में, और आसपास बगुला जो है उनके चरे हुए घास से कीड़े निकाल के खा रहा होता है, तो बगुले को फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन गाय को ना फायदा हो रहा होता है ना घाटा हो रहा होता है। तो ये रिलेशनशिप कमेंसलिज्म कहलाता है। उसी तरीके से सी एनीमून वाला एग्जाम्पल भी आप लोग याद रखिएगा। और म्यूटालिज्म में लाइकेन माइकोराइजा और सीडो कॉपुलेशन वाला रिलेशनशिप याद रखिएगा। प्लांट एनिमल का रिलेशनशिप सबसे अच्छा म्यूटालिज्म का रिलेशनशिप होता है, है ना। जैसे जैसे प्लांट बदलेगा वैसे वैसे इंसेक्ट बदलेगा, जैसे जैसे इंसेक्ट बदलेगा वैसे वैसे प्लांट बदलेगा। तो को इवोल्यूशन और को एक्सटिंक्शन भी देखने को मिलता है आप लोग को, कहाँ कहाँ, पैरासिटिज्म में और म्यूटालिज्म में। और याद रखिएगा, पैरासिटिज्म प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन। और एक और नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आसपास रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं रहते हैं, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म, ये हमेशा क्लोज में रहते हैं, हमेशा क्लोज में रहेंगे। इनका सबसे खास बात यह होता है क्लोज में रहना, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं इकोसिस्टम।